नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल का स्किनर बना है उसी का थ्रू मैं कल के लिए मतलब 11 अक्टूबर 2019 के लिए मैंने ये स्टॉक्स चुना है, उसका तो आप लोग को बाइसल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। कैसे स्टॉक्स चुना है इसका पैरामीटर आप लोग देख सकते हैं, मेरा बहुत सारा पैरामीटर्स रहता है, वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज और वेरियस सारा इंडिकेटर्स, ये सब देखे मैंने ये स्टॉक्स चुनता हूँ। एनीवे तो बाय सेल लेवल आप लोग नोट कर सकते हैं, बाई अब आप लेवल बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाने तरफ, सेल का एंट्री लेवल भी बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाने तरफ। ऑल्टरनेटिव बाय सेल लेवल भी आप लोग देख सकते हैं, ये सब बाय सेल लेवल में आप लोग गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर कर ले सकता है और टारगेट और स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रख सकता है। और इसका फिबोनाची लेवल और ट्रेडिशनल पिवट फंड का लेवल भी आप लोग को दिखा देता हूँ। और भी एक लेवल दिखाना चाहता हूँ, तो ये सब लेवल में कोई भी लेवल पे आप लोग काम कर सकता है, जो लेवल पहले आप लोग को आएगा और जिसमें आप लोग कंफर्टेबली एंट्री ले सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस भी देख के, कितना टारगेट है वो भी देख के आप लोग एंट्री ले सकते हैं उस लेवल पे। और मेरा ये जो फाइल है इसमें टोटल इफ स्टॉक्स का बाय सेल लेवल रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स और इंडेक्स का लेवल रहता है, कमोडिटी का लेवल रहता है, जितना सारे इफ स्टॉक्स है उसका फ्यूचर्स का लेवल रहता है। आप लोग चाहेंगे तो इसको मैंने एंड ऑफ द डे आप लोग को पूरा फाइल भेज सकता हूँ, ताकि आप लोग अपना चॉइस का स्टॉक्स चुन के आप लोग कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और आप लोग इंडिकेटर वगैरह देखे, आप लोग ये जो सब इंडिकेटर है कितना सारा क्रॉस ओवर है, कितना प्रोबेबिलिटी है, ये सब देख के आप लोग BWAP ये सब देख के आप लोग ये जो सारा इंडिकेटर ये देख के आप लोग EMA क्रॉस ओवर, तो ये सब देख के आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं अपना हिसाब से और अपना स्टॉक्स भी अपना चुन सकता है। और लाइव मार्केट में भी इसको आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट कर लूँगा, तो आप लोग उसका लेवल देख के, स्क्रीनिंग करके लेवल देख के या अपना पसंद का स्टॉक देख के आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो आप लोग को जो प्रॉफिट होगा ये बाय सेल रिकमेंडेशन से, उसको से थोड़ा सा प्रॉफिट मेरे को शेयर करना पड़ेगा। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखाता हूँ, फ्यूचर्स और इंडेक्स का लेवल, ये फ्यूचर्स का लेवल है और इंडेक्स का लेवल है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। इसका फ्यूचर्स का सॉरी ये इसका फिबोनाची का लेवल भी आप लोग को दिखा देता हूँ, फिबोनाची और ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट का लेवल। और कमोडिटी का लेवल आप लोग को दिखाता हूँ, एक ही लेवल दिखाता हूँ क्योंकि टाइम चला जाएगा, टाइम होगा तो मैंने फिर से फिबोनाची लेवल भी दिखा देता हूँ। इसका फ्यूचर्स का सॉरी इसका फिबोनाची लेवल भी दिखाता हूँ, लेकिन ये सब लाइव मार्केट में मार्केट ओपन होने के बाद ही ये चलेगा, नहीं तो उसके बाद नहीं चलेगा। ये आप लोग को मतलब लाइव मार्केट में अपडेट करो तभी आप लोग को ठीक से काम पे आएगा। तो उसके लिए आप लोग को प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, जो लोग इंटरेस्टेड है वो आप मेरे को